कल दो जबरदस्त किस्म के मैचेस के बाद आज एक और होने जा रहा है आईपीएल के अंदर धमाकेदार मैच। आज है आरसीबी वर्सेस लखनऊ का मैच, बैंगलोर का बॉय अगेंस्ट बैंगलोर। पहली दफा बैंगलोर के अंदर खेलने जा रहा है केएल राहुल वर्सेस विराट कोहली का ये मुकाबला होने जा रहा है। लखनऊ की टीम इस पर मुझे आईपीएल के अंदर बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ। सवाल यह कि क्विंटन डिकॉक को कैसे खिलाया जाए। काइल मैन्स 183 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। क्विंटन डिकॉक को भी इन्होंने खिलाना था, ऊपर साथ ही साथ इनके नाइकलस पुरान जो कि बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है, मार्कस स्टोनेस इनके पास है, मार्क वुड इनके पास है, टीम बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। साथ ही पांड्या दीपक हुडा, तो मतलब कि कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी डिपेंड करता है फैब डू प्लेसी और विराट कोहली के ऊपर। पिछले मैच में दोनों नहीं चले तो आरसीबी ये वाला मैच हार चुका था। लेकिन सवाल यह आता है कि आरसीबी की टीम से और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जिसको कहते हैं ना स्टैंड लेंगे, अपनी टीम को मैच जितवाएंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर ये मैच है, आप सब जानते हैं कि यहां पे जिसको कहते हैं आरसीबी बड़ी फेवरेट होती है, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। एवरेज पहली इनिंग्स का 183 होता है। और मजे की आपको चीज बता दूं, आरसीबी 2022 से लेके अभी तक जिसको कहते हैं ना सबसे ज्यादा वर्स बॉलिंग कर रही है आखिरी 5-6 ओवर्स के अंदर। इनकी इकोनॉमी जो है सबसे गंदी है, 11 प्लस की इनकी इकोनॉमी इनके बॉलर्स की। यही वजह है कि आरसीबी के जो बॉलर्स हैं एंड के ऊपर आके इतनी मार खाते हैं। पिछले मैच के अंदर इन्होंने जो शार्दुल ठाकुर से मार खाई थी आप सब जानते हैं। और इस चीज को लीड कर रहे मोहम्मद सिराज। जितना अच्छा ये न्यू बॉल का बॉलर है उतना ही बुरा ये पुराने बॉल का बॉलर है। इसको 13 की इकोनॉमी से ज्यादा की जिसको कहते हैं ना पड़ने इसको हर मैच के अंदर। तो इसको चाहिए कि अपनी एंड की जो बॉलिंग है ना उसको अच्छा करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे। अगर बात करें वनिंदु हजारंगा की तो और टीम को जिसको कहते हैं ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है, अब वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ क्विंटन डिकॉक ऑलरेडी टीम के साथ है, कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होगा अगर वनिंदु हजारंगा आता है। लेकिन माइकल ब्रेसवेल भी जिसको कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। लेकिन सवाल यह आता है कि आरसीबी डिपेंड करता है ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। मैक्सवेल का रन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब फैब डू प्लेसी और विराट कोहली जब आउट हो जाता है तो मैक्सवेल के ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है। दिनेश कार्तिक को भी चाहिए कि थोड़ा स्टैंड ले। इसी के साथ साथ इनको चाहिए कोई रिकू सिंह जैसा, कोई तिलक वर्मा जैसा बंदा जो इंडियन प्लेयर हो, लोकल प्लेयर हो, ऐसी परफॉर्मेंस दे दे कि जिसको कहते हैं ना आरसीबी को एक बैकअप मिल जाए। जिस तरह से आपने देखा है जायसवाल हो गए राजस्थान के, हो गए ध्रुव भी राजस्थान के, हो गए कोलकाता के, आपके पास वेंकटेश अय्यर है, रिकू सिंह है, लखनऊ की टीम में भी ऐसे प्लेयर्स हैं। इसी के साथ साथ आपके जैसे कहते हैं ना चेन्नई के अंदर प्लेयर्स हैं, इस टीम के अंदर भी मैं चाहता हूं कि ना ऐसे प्लेयर्स हैं। गुजरात टाइटंस में जैसे राहुल तिवातिया प्लेयर है, सुंदरसन प्लेयर है जो लोकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आरसीबी की टीम में अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग डिपेंड करते हैं विराट कोहली और फैब डू प्लेसी के ऊपर। तो आई होप कि जैसे कहते हैं ना आज के मैच के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, आज के मैच में चले। अगर बात करें प्रेडिक्शन की तो भाई मैं तो जाऊंगा विराट कोहली की टीम आरसीबी के साथ, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी को हराना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरसीबी आज का मैच जीतेगा। एक्स फैक्टर्स की बात करें तो एक्स फैक्टर मुझे लगता है आज के मैच के ग्लेन मैक्सवेल होंगे। इसी के साथ साथ अगर हजारंगा खेलते हैं तब वो एक्स फैक्टर होंगे, वरना तो माइकल ब्रेसवेल जिसको कहते हैं ना एक्स फैक्टर के तौर पे आएंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है विराट कोहली भी एक्स फैक्टर होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं लखनऊ की टीम की तो लखनऊ की टीम के अंदर से मुझे लगता है कि आज का जिसको कहते हैं ना दिन नाइकलस पुरान एक्स फैक्टर हो सकते हैं, मार्क वुड अगर खेलेंगे तो वो हो सकते हैं, इसी के साथ साथ केएल राहुल, ये मुझे तीन नाम लगते हैं जिसको कहते हैं ना एक्स फैक्टर के तौर पर आ सकते होते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन है आरसीबी, आपको क्या लगता है आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिसको कहते हैं ना रात को आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहूंगा जिस तरह कोलकाता का मैच हुआ है ना अगेंस्ट जिसको कहते हैं गुजरात, इसी तरह का मैं मैच होगा आज वाला भी जिसको कहते हैं ना फाइनल ओवर तक जाए, फाइनल ओवर के अंदर जाके मैच का मुकाबला हो, या फाइनल ओवर आखिरी बॉल वाले जो मैचेस होते हैं ना उनका अलग ही मजा होता है। मैं चाहूंगा ये वाला मैच हो ताकि जिसको कहते हैं ना मजा आए आईपीएल का, और जिसको कहते हैं ना मजा एक्साइटमेंट भरे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।